Bismillahirrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. मैं सबसे पहले तो इस चीज़ का इजहार करना चाहता हूँ कि वाना जिधर पहली दफ़ा 30 साल पहले मैं आया था और उसके बाद वज़ीर आज़म बन के भी आया, उससे पहले भी इलेक्शन कैंपेन में भी आया, मैं वज़ीरिस्तान के लोगों के लिए पैगाम देना चाहता हूँ कि देखें, मेरा जो फ़लसफ़ा है हुकूमत का वो ये है कि हमने जो भी लोग पीछे रह गए और जो इलाके पीछे रह गए, हमारी सबसे ज़्यादा कोशिश ये कि इन लोगों को भी ऊपर लेके आए और ये जो इलाके पीछे रह गए इनको भी ऊपर उठाएं। इसलिए नहीं आया कोई वोट लेने के लिए या कोई इसी तरह आपसे जो इलेक्शन में लोग वादे करते हैं वो वादे करने नहीं आया। मेरी हुकूमत की जो पॉलिसी है वो मैं आपको बता दूं कि हमारी पूरी कोशिश है कि पाकिस्तान का जो भी गरीब तबका है उसके ऊपर हमने पूरा ज़ोर लगाना है, उसको ऊपर उठाने के लिए, उसमें उसकी तालीम के ऊपर ज़ोर, और तालीम में यही नहीं कि उनको स्कॉलरशिप्स देंगे, यही नहीं कि इन इलाके जो पीछे रह गए हैं इधर हमने आपके लिए स्कूल कॉलेज और फिर जो मुश्किल है सबसे यूनिवर्सिटी बनाना ये खोलेंगे, टेक्निकल कॉलेज खोलेंगे। मैंने इक्तदार में आने से पहले मियांवाली में नमल यूनिवर्सिटी खोली जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी है और मुझे बड़ी खुशी है कि यहाँ वाना से भी जाके नौजवान उधर नमल यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं। तो उस तरह की टेक्निकल यूनिवर्सिटीज़ हमने सारी जगह खोल ली हैं क्योंकि हमारी सबसे बड़ी ताकत हमारा नौजवान है और उसी नौजवान को अगर हम अच्छा तालीम दे दें, टेक्निकल एजुकेशन दे दें, तो वो सिर्फ यही नहीं कि वो अपने आप को ऊपर ले जाएगा, अपने ख़ानदान को ऊपर ले जाएगा, वो बल्कि अपने इलाके और अपने मुल्क को ऊपर ले जाएगा। इसलिए तालीम, उसके बाद जो दूसरा सबसे बड़ा चैलेंज है वो रोज़गार, और ख़ास तौर पे यहाँ वज़ीरिस्तान में क्योंकि सबसे ज़्यादा तबाही जो ये पिछले 15 साल में वॉर ऑन टेरर में सबसे ज़्यादा तबाही तो इधर हुई, तो इधर नौजवानों को सबसे ज़्यादा ज़रूरत है हमें नौजवान रोज़गार देने के लिए। तो मैं ये जो आज प्रोग्राम है कामयाब जवान, जिसका मकसद कि ये जो आज चेक्स दिए हैं ये सिर्फ शुरुआत है। हमारी पूरी कोशिश होगी कि क्योंकि यहाँ नौजवानों के अंदर बेरोज़गारी सबसे ज़्यादा है, इधर हम ज़ोर लगाएं, बलूचिस्तान के इलाकों के अंदर ज़ोर लगाएं, ख़ास तौर पे जुनूबी बलूचिस्तान में पहली दफ़ा इतना बड़ा हमने पैकेज दिया है क्योंकि उधर भी लोग पीछे रह गए हैं। कबायली इलाके के अंदर जो कि अब मर्ज डिस्ट्रिक्ट बन गई हैं, पख्तूनख्वा का हिस्सा है इधर, और फिर कबायली इलाके में जो वज़ीरिस्तान जो सबसे ज़्यादा यहाँ तबाही मची थी, हमारा पूरा कोशिश होगी कि आपकी हर किस्म की मदद की जाए और जिसमें नौजवानों को रोज़गार देना सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो ये जो अभी प्रोग्राम हमने शुरू किया है इस पर इंशाल्लाह अगले साल और ज़्यादा हम पैसा डालेंगे ताकि और ज़्यादा नौजवानों को हम कर्ज़े दे सकें और वो उनको रोज़गार मिल सके। लोगों को पाकिस्तान में पूरी तरह अंदाज़ा नहीं, जो भी शुरू में तकरीर की थी कि यहाँ के लोगों ने पहले तो अपनी इस अंग्रेज़ से आज़ादी लेने के लिए सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ इस इलाके ने दी थी। वज़ीरिस्तान के लोगों ने अंग्रेज़ के ख़िलाफ़ सबसे ज़्यादा जंग लड़ी थी, यहाँ लोग भी सबसे ज़्यादा शहीद हुए और अंग्रेज़ भी सबसे ज़्यादा इधर मरे थे। यह हमें पाकिस्तान में इस तारीख़ का पता नहीं अभी।
दूसरी चीज, जब 1947 में जो जुल्म किया मुसलमानों के ऊपर पंजाब में और कश्मीर में, तो यहां से लोग गए थे कश्मीर में लड़ने के लिए। यहां के लोगों की शहदा की कब्रें हैं जिन्होंने अपनी जान की कुर्बानियां दी कश्मीरियों के लिए, उनकी आजादी के लिए। और यहां से लोग तैयारी कर रहे थे पंजाब में जाने के लिए। उधर भी जब मुसलमानों की पंजाब में जो कत्लेआम हुई थी, उधर इधर से लोग तैयारी कर रहे थे जाने के लिए। तो ये एक तारीख है इसकी, जो कि ज़्यादातर पता नहीं है हमें, हमारी पाकिस्तान की तारीख में लोगों को अंदाज़ा नहीं पूरी तरह, क्योंकि मैंने ये तारीख आपकी पढ़ी है, यहाँ आता रहा हूँ, एक किताब भी मैंने लिखी है, तो इसलिए मैं सब जानता हूँ। तो मुझे ये आपने जो शुरू में कहा कि हमेशा आपने पाकिस्तान के लिए खड़े हुए हैं, मुझे पूरा तरह अंदाज़ा है। 1965 की जब जंग थी तो हमें याद है यहाँ से बड़े बड़े लश्कर गए थे, जो मुझे अभी भी हमें पिंडी के बाहर उनके कैंप लगे हुए थे पाकिस्तान के लिए लड़ने के लिए। तो मैं आपकी जो आपकी इस मुल्क के लिए जो आपका जज्बा है वो मैं पूरी तरह जानता हूँ, और मैं आपको ये यकीन दिलाता हूँ कि ये जो मुश्किल काम था कबायली इलाके का जम होना पख्तूनख्वा से, ये बहुत मुश्किल काम था। और ये अल्लाह का ख़ास करम है हमारे मुल्क के ऊपर कि इसके बावजूद के बड़ी कोशिश की गई इंतशार फैलाने के लिए, और मुझे पता है कई लोगों ने कितनी कोशिश की कि किसी तरह ये जम ना हो। और मुझे बड़ी खुशी है कि जिस तरह आपने, वजीरिस्तान के लोग, कबायली इलाके के लोग, जिस तरह सब ने मिलके इसको कामयाब किया, ख़ास मैं आपको खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ इसका। इंशाल्लाह वक्त साबित करेगा कि ये फैसला कबायली इलाके के लोगों के मुस्तकबिल के लिए बेहतरीन फैसला था। अभी जो आपने पासनामा पढ़ा उसमें ज़्यादातर जो आपकी डिमांड्स हैं वो पख्तूनख्वा के चीफ मिनिस्टर से हैं, और मैं इसलिए गवर्नर और चीफ मिनिस्टर को दोनों को आज यहाँ दावत दी कि वो यहाँ आएँ और आपकी सारी उन्होंने डिमांड सुनी है। बिल्कुल इनमें से ज़्यादातर बहुत जायज़ डिमांड्स हैं। डिस्ट्रिक्ट का जो ये जो सब डिवीज़न और डिस्ट्रिक्ट का ये जो आपने मुतालबा किया, ये मैंने पहले भी महमूद खान को बताया हुआ है, वो पूरी मशावरत करेंगे, आपसे मशावरत करेंगे, सबसे मशावरत करेंगे, उन्होंने मुझे पूरा यकीन दिलवाया, और फिर तब ये फैसला करेंगे। जल्दी फैसले में उनको ये खौफ था कि इससे एक फैसले की वजह से और मुश्किलात ना इस इलाके में खड़ी हो जाएं, लेकिन हमें पूरी तरह इस चीज़ का समझ आया कि यहाँ से टांग जाना बड़ा मुश्किल है लोगों के लिए, और हमारे कोशिश यह है कि आपके लिए आसानियाँ पैदा करें ताकि आपके मसले बाना के अंदर हल हों। तो इंशाल्लाह ये मैं आपको यकीन दिलाता हूँ कि अन करीब आपको इसके ऊपर हम एक खुशखबरी देंगे। जो मेरे हाथ में है और बड़ी जायज़ डिमांड है आपकी, वो जो है 3G 4G की। खुशखबरी आपको ये देता हूं कि आज से आपका 3G 4G खुल जाएगा। मुझे पता है कि नौजवानों के अंदर खास तौर पे ये बहुत, मुझे पता है कि नौजवानों में ये बहुत बड़ी डिमांड थी, बड़ी जायज़ डिमांड है, क्योंकि ये जो मोबाइल फ़ोन और जो 3G 4G फैसिलिटीज़ है, इंटरनेट, इससे तालीम की भी, इससे हर किस्म की, अब दुनिया तो उधर चली गई है टेलीफोन मोबाइल फ़ोन के ऊपर। और यहाँ के लोग, बदकिस्मती से कबायली इलाके में मैंने कोशिश एक साल पहले से लगा हुआ था, लेकिन सिक्योरिटी का इशू था। हमारा जो दुश्मन इस वक्त, जो इस वक्त हिंदुस्तान में एक ऐसा इंतहा पसंद एक हुकूमत है,
जिसका सरबरा, जिसने गुजरात में मुसलमानों के जो कत्ल किए गए थे मुसलमान तकरीबन 17 साल पहले, वो उसमें मुलव्वस था, वो आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है। कभी भी इतना पाकिस्तान और मुसलमानों का दुश्मन कभी भी 73 साल तारीख में एक हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर ऐसा नहीं आया और उनकी गवर्नमेंट ऐसी नहीं आई। तो वो पूरी कोशिश कर रहे हैं पाकिस्तान में इंतशार फैलाना, दहशतगर्दी करनी। बलूचिस्तान में हमें पता है कि पूरी कोशिश इंतशार फैलाने की है, उन ग्रुप्स के पीछे पैसा चल रहा है, ये सब हमें नॉलेज है। इधर भी वजीरिस्तान में भी इनकी कोशिश है कि नौजवानों को उकसाएं पाकिस्तान के खिलाफ। तो इसलिए ये 3G 4G का मसला बना हुआ था कि ये दहशतगर्द भी इस्तेमाल कर सकते हैं ये फैसिलिटी 3G 4G की। लेकिन मैंने अपनी सिक्योरिटी एजेंसी से बात की, पाकिस्तानी जनरल बाजवा, जनरल फैज़ जो ISI के चीफ हैं, और हमने फैसला किया कि हाँ, हमें देखना पड़ेगा कि इसकी दहशतगर्द इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन उसके बावजूद हमारा ख्याल ये है कि हमारे नौजवानों की इस वक्त ज़रूरत है ये, और इसलिए आज से इंशाल्लाह ये 3G 4G हम बहाल कर देंगे। मैं आगे और सिर्फ आपके लिए जो आखिर में 2-3 चीज़ें और कहना चाहता हूँ। देखें, क्योंकि वज़ीरिस्तान पीछे रह गया, यहाँ तकरीबन जो हमने अंदाज़ा लगाया कि 70% लोग वो हैं जो गुर्बत की लकीर से नीचे, और इसलिए हमने ख़ास आपके लिए अपना जो एहसास प्रोग्राम है, डॉक्टर सानिया निश्तर जो भी हमारे साथ आ जाई हैं, मकसद ये है कि हम जो एहसास प्रोग्राम में पूरा ज़ोर लगाएं कि जो गुर्बत से नीचे लोग हैं उनके लिए हम पैसे भी दें, उनको ख्वातीन के लिए हम मवेशी भी दें ताकि वो अपना घर चला सकें, अपनी आमदनी बढ़ा सकें, वो भी हम करने लगे हैं, स्कॉलरशिप्स भी देने लगे हैं, तालीम में भी मदद करने लगे हैं। और बाकी जो महमूद खान, उनको ख़ास तौर पे उनको ख़ुद अंदाज़ा है, क्योंकि जब स्वात के अंदर एक पूरी वो जो मिलिट्री एक्शन हुआ था तो स्वात के लोगों ने बड़ी मुश्किलात का सामना किया था, और महमूद खान क्योंकि स्वात से, उनको पूरी तरह इल्म है, इसलिए उनको अंदाज़ा है कि इस जंग की वजह से इस सारे कबायली इलाके में और ख़ास तौर पे वज़ीरिस्तान में कितना नुकसान हुआ। इसलिए आप बेफिक्र हो जाएं, ये समझें कि ये हुकूमत वो हुकूमत है जो आपकी हुकूमत है, वोट आपने जिसे मर्जी दिया उससे हमें फ़र्क नहीं पड़ता। हमारी पूरी कोशिश होगी कि हमने इस इलाके को उठाना भी है, और फिर जो फैसिलिटीज़ आपको दे सकते हैं, मसलन मैं आपको एक और चीज़ बताऊं, हम यहाँ जैतून की पूरा एक इनकलाब लेके आ रहे हैं। जो जैतून है, जैतून का दरख्त है, आपको अंदाज़ा होना चाहिए कि जैतून का तेल जो उससे निकलता है वो सबसे ज़्यादा पैसा हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं, क्योंकि पाकिस्तान को इस वक्त बाहर से तेल, घी बाहर से मंगवाना पड़ता है, और आजकल क्योंकि बाहर कीमतें ऊपर चली गई हैं तो हमारे भी या घी की कीमत ऊपर चली गई है। जैतून ये सारा जो इलाका है, हमने सारी सर्वे की है, ये बेहतरीन इलाका, दुनिया में बेहतरीन इलाका है जैतून के लिए। तो इसका हम पूरा एक जैतून का इनकलाब लेके आ रहे हैं। अगले महीने हम पूरे यहाँ आपकी पूरी प्लांटेशन करने लगे हैं जैतून की, वो आपको देंगे लोगों को ताकि आप ध्यान रखें, ये यकीन कर लें कि यहाँ अगर 3-4 साल में ये जैतून के दरख्त उग गए, और कई वैसे भी यहाँ जंगली उगते हैं जैतून, उनको भी पेबंद कर दिया तो यहाँ आपके पास इतनी ज़्यादा आमदनी आएगी जैतून से कि आपको बाहर नौकरियाँ ढूंढने कराची और कहीं नहीं जाना पड़ेगा या दुबई या कहीं। तो ये भी हम इंशाल्लाह ये वो करने लगे हैं। और जो आपने बाकी भी बातें की कि सड़कें बनाएं ताकि आपकी जो भी यहाँ आप सब्जियाँ उगाते हैं उसमें भी आपकी सहूलत हो, वो इंशाल्लाह भी एक सड़क का तो मैंने आज कर दिया, ओपनिंग इनॉग्रेशन कर दी है, तो बाकी भी आपके लिए हम इंशाल्लाह सहूलतें बढ़ाते जाएंगे। और आखिर में हाँ, ये भी बड़ा ज़रूरी, मेरे उन्होंने मुझे कहा कि बुज़ुर्गों
कि जो इज्जत हमेशा कबायली इलाके में थी उसको बहाल किया जाए। मैं बिल्कुल आपसे इस चीज़ पर मुत्तफिक हूँ, क्योंकि मैं आपकी तारीख जानता हूँ। हमारे सारे कबायली इलाके में, बल्कि हमारे दीन के अंदर बड़ों की इज्जत है, और कबायली इलाके में ख़ास तौर पर बड़ों का ख़ास रोल है। तो ये जो हम जो जिरगा सिस्टम था, जिधर बैठ के सारे फैसले होते थे, उसका जो हमने अब जो उसको अल्टरनेट डिस्प्यूट रेजोल्यूशन ADR, उसके अंदर बड़े ही होंगे। जो वो जिरगा होगा, जो अब हम उसको नाम फ़र्क दे रहे हैं ADR, उसमें बड़े ही बैठेंगे, और आपकी हैसियत होगी, आप ही फैसले करेंगे। और इंशाल्लाह ये भी आप यकीन रखें कि हम आपकी रवायतें जानते हैं, उस रवायतों के मुताबिक हम भी आपके बड़ों को पूरी इज्जत देंगे। मैं फिर से आप सबका शुक्रगुजार हूँ। उसके बाद मैं ये उस्मान डार पूरी ताकीद करता हूँ कि अगले साल इस बारी जितनी हमने स्कॉलरशिप्स दे रहे हैं इन इलाकों के अंदर, और जो इलाके पीछे रह गए हैं, जिधर नौजवान हमारे बेरोज़गार हैं, उधर ख़ास तौर पे आपने ज़ोर लगाना है कि और ज़्यादा इससे दुगनी तादाद की स्कॉलरशिप्स दी जाएं। और मैं महमूद ख़ान आपको ये ताकीद करूँगा कि आप ये जो भी इन्होंने पूरे मसले बताए हैं डैम्स का, ख़ास तौर पे क्योंकि पानी की हर जगह पाकिस्तान में मसला है, तो जितनी जितनी हम चेक डैम्स बनाते रहेंगे इनके लिए पानी की आसानियाँ होती रहेंगी। हाँ, और ये सारे इलाके के लिए जो और खुशखबरी वो ये कि आप हर ख़ानदान को हेल्थ इंश्योरेंस मिलेगी, यानी वो कार्ड मिलेगा कि किसी भी अस्पताल में आप अपना इलाज 7 लाख रुपए तक मुफ्त करवा सकते हैं। बहुत शुक्रिया।